स्नेहा बाय बाय। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं जैसे कि आज का जो ब्लॉग है, मैं बता दूं कि हम सबके बीच चांदनी जी आई थी अपने हस्बैंड के साथ गुजरात से। अब हो चुकी हैं रवाना, जा रही हैं अपने ससुराल गुजरात। तो उनको आज ट्रेन, उनकी आज ट्रेन है 5:30 बजे की, और टाइम आप देख सकते हैं टाइम हो रहा है 4:15। 5:30 बजे की ट्रेन है भिवंडी स्टेशन से। ज़्यादा दूर नहीं, 5 किलोमीटर है इधर से, तुरंत पहुंच जाएंगे। तो उनको वहाँ छोड़ना है स्टेशन के पास, ट्रेन में बैठाना है, तब हम जाते हैं। अब बाहर सब वेट कर रहे हैं मेरा, मैं अंदर था तो अंकल का फ़ोन आया था कि चांदनी को जाना है छोड़ने, तो बोला ठीक है चलते हैं। तब चलिए दोस्तों, चलते हैं, बने रहिए आप सब मेरे साथ में, दिखाता हूँ मैं आगे का। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हो चुका हूँ रेडी, बाहर आ गया और गाड़ी मेरी सामने ही है घर के। तो फ़ोन आया था, बुला रहे हैं, मैं जाता हूँ, सबको बोल देता हूँ कि मैं बाहर आ गया हूँ, तब तक बने रहिए आप मेरे साथ में। तो जैसा कि दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं चांदनी जी के घर पे, और सामान देख सकते हैं आप। अब निकल रहे हैं हम लोग स्टेशन की तरफ रवाना होते हुए, आंटी सामान बाहर निकालते हुए। तो स्नेहा क्यों रो रही है वो? स्नेहा को चप्पल पहनाया जा रहा है तो स्नेहा रो रही है। तो चलो चलते हैं स्टेशन की तरफ। तो अब हम चल रहे हैं गाड़ी की तरफ चलते हुए, देख सकते हैं आप सब लोग। चलिए दोस्तों, चलते हैं गाड़ी की तरफ। तो दोस्तों, हम सब गाड़ी में बैठ चुके हैं, देख सकते हैं आप, अंकल आंटी और चांदनी स्नेहा। किधर जा रहे हैं हम लोग स्नेहा? गुजरात बोल दो। स्टेशन जा रहे हैं, तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ में, अब चलते हैं हम स्टेशन। तो चलिए दोस्तों, जय माता दी। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग मेन रोड पे आ चुके हैं, अब इधर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, आगे का बने रहिए मेरे साथ में, तब स्टेशन पे अब मिलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं अंजुर फाटा मेन चौक पे। अब यहाँ से 1/2 किलोमीटर दूर पे है भिवंडी स्टेशन, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में। दोस्तों देख सकते हैं आप, हम पहुंच चुके हैं भिवंडी स्टेशन के पार्किंग में, अब लगाते हैं गाड़ी पार्क करने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम भिवंडी स्टेशन पहुंच गए हैं और सब लोग उतर चुके हैं गाड़ी से, अब मैं भी जा रहा हूं उतरने, अब चलते हैं स्टेशन की तरफ, तब तक बने रहिए मेरे साथ में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग पहुंच गए हैं भिवंडी रोड स्टेशन पे। यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, सन्नाटा है, क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 4:50, मतलब 5 बज रहे हैं सुबह के। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, देखते हैं कहाँ पे गाड़ी आने वाली है, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग को जाने का था 4 नंबर पे, और हम लोग खड़े थे 1 नंबर पे, चलते हैं 4 नंबर पे।
तो दोस्तों फाइनली हम लोग 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं आप स्टेशन पे हैं और गाड़ी तो है फिलहाल लेट। 5:20 का टाइमिंग था और 5:24 हो रहा है। देख सकते हैं गाड़ी उल्टा है पर मैं टाइम आपको सीधा बता रहा हूँ। तब ये वेट तो करना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन है आने में लेट है। तब तक बैठते हैं, थोड़ा ट्रेन आएगी फिर चलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। फिर 11 बजे 12 बजे घूमते घूमते स्कूटी लेके चले। स्नेहा बाय बाय। तो दोस्तों जैसा कि ट्रेन 2 घंटा लेट है और 5:18 की ट्रेन थी, 6 बज चुके हैं और फिर भी 2 घंटा लेट बता रहा है, मतलब 8-9 बज जाएगा ट्रेन आने में। अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ, तब तक आप बने रहिए मेरे साथ में। तो दोस्तों देख सकते हैं आप ऊपर का कुछ व्यू इस तरह है। ये हम लोग ऊपर की तरफ हैं। दोस्तों देख सकते हैं सुबह का व्यू है कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। अब चलते हैं घर की तरफ रवाना। तो दोस्तों जैसा कि मैं आ चुका हूँ अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, अब चल रहे हैं घर की तरफ क्योंकि ट्रेन है 2-3 घंटा लेट। तो यहाँ रुक के कुछ मतलब नहीं बनेगा क्योंकि 8-9 बज जाएंगे। अंकल रुके हैं चांदनी के साथ में, चांदनी के डैडी, वो चांदनी को बैठा देंगे ट्रेन में अच्छे से। तब तक चलते हैं हम लोग घर की तरफ, बने रहिए मेरे साथ में। तो दोस्तों जैसा कि हम आ गए हैं पार्किंग में, देख सकते हैं गाड़ी मेरी इधर खड़ी है। तो चलते हैं अब गाड़ी में बैठने और आगे आप मेरे साथ में। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग निकल चुके हैं घर की तरफ, मैं और आंटी जी, देख सकते हैं आप, और हम दोनों निकल चुके हैं घर की तरफ। गाड़ी 2 घंटा लेट होने के कारण अब चलते हैं घर। तब तक बने रहिए आप मेरे साथ व्लॉग में, घर पे मिलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम घर के रास्ते पे पहुंच चुके हैं, सुबह के 7 बज चुके हैं, उजाला हो चुका है और घर के तरफ टर्न लेते हुए। दोस्तों देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं घर की तरफ और तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में। दोस्तों जैसा कि हम पहुंच चुके हैं घर पे और गाड़ी लगा दिया हूँ पार्किंग में और सुबह के बज रहे हैं 7। मैं भी घर अभी पहुंच चुका हूँ, देख सकते हैं शटर बंद है। जा रहा हूँ शटर खोलने, तब तक आपसे लेते हैं अलविदा। नहाते धोते हैं फ्रेश होते हैं फिर आपके लिए नया ब्लॉग लेके आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।